the Gujarat governor today has snuffed Gujarat government very fiercely and has gone ahead and appointed a Lokayuk because Gujarat government failed to appoint a Lokayuk for such a long time. Well, I think it is not exactly the statement of facts. It doesn't represent the factual situation in as much that the state assembly did pass an amendment of the present Lokayukta Act, which not only encompassed the lowest of the lowest functionary, but widened the scope of the Lokpal's coverage and the ambit of Lokpal's authority. This bill was returned by HE, the governor. The state government thereafter, after due consideration, decided to issue an ordinance. Normally, an ordinance which is passed by the Council of Ministers is not refused. Somehow, this was also refused. And all of a sudden, invoking the special provisions, suo motu, the gubernatorial office has decided it fit to appoint the Lokayukta in the state, and I think this is bad in law, not in accordance with the prescribed provisions or the spirit of the Constitution of India, and we are examining the various legalities involved and shall act accordingly. Are you going to challenge it in the manifestation? Well, as I told you that various facets as far as legalities are concerned, we are examining it. And whatever is required to be done thereafter shall be done by the state government. Will the state write a letter to the president to recall this governor? Aaj jo governor ne local appoint kiya hai, us par Rajya Sarkar ki kya pratikriya hai? देखिए, लोकायुक्त की जो प्रक्रिया थी उसके अपॉइंटमेंट के लिए जो पद्धत है वो एक निर्णायक फेज से पास हो रही थी। एक समय था गत मार्च में जब राज्य विधानसभा में लोकायुक्त की आज की जो गुजरात का एक्ट है उसके भी प्रावधानों को बढ़ाकर उसके दायरे में जो और भी आज अन्ना जी जिसकी बात कर रहे हैं वो जिला और तालुका पंचायत स्तर तक के जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं उनको लाने के लिए स्टेट असेंबली ने बिल पारित किया था। गवर्नर साहब ने उसे मंजूर करना उचित न समझा और राज्य सरकार को वापस भेजा। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के मुताबिक उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कैबिनेट मीटिंग में ऑर्डिनेंस पारित किया था वो ऑर्डिनेंस मंजूर करने की उनकी दायित्व बनती थी, वो न करके एकाएक ये इस तरह की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, अपने संविधान के जो प्रावधान है वो संविधानों के प्रावधान की जो भावना है उस भावना से बिल्कुल विपरीत जाते हुए जो कार्यवाही की गई है वो कार्यवाही के कानूनी पहलू क्या है वो सभी की राज्य सरकार अभी उनके महीन कानून पहलुओं की अभ्यास कर रही है और उसके बाद जो भी उचित कार्यवाही करनी होगी कार्यवाही की जाएगी। देखिए मैनिफेस्टेशन ये है कि ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि ये प्रक्रिया जारी थी। हमने विधानसभा में ये बिल पारित किया था गत मार्च में, उसके बाद ऑर्डिनेंस किया था अभी जो वापस भेजा गया, उसके बाद अभी भी विधानसभा का सत्र अभी भी मिलने वाला है, करीब 15-20 दिनों में शायद उसकी जब तारीख तय हो जाए तब ये सब प्रक्रियाओं को जो संविधान के मुताबिक लोकशाही प्रणाली के मुताबिक सही प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को मद्देनज़र न करते हुए इस तरह की एक तरफी जो निर्णायक प्रक्रिया हुई है, मैं समझता हूँ
कि दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके जो महीन कानूनी पहलू है उसका अभ्यास करके उसके लिए आगे जो करना होगा राज्य सरकार उचित कदम उठाएगी। देखिए ये कहीं भी हमारी जो कार्रवाई है उसमें फलित नहीं होता। जो भी प्रक्रिया चल रही थी जिसके बारे में विपक्ष जोर जोर से बात कर रहा है कि हमारे वहाँ इसमें विलंब हुआ, दरअसल बात तो ये है कि वो जो विलंब का समय काल बताते हैं वो समय काल में से आधा से ज़्यादा समय काल तो उस समय के महामहिम राज्यपाल श्री ने ये पूरा प्रकरण अपने वहाँ अनिर्णित रखा था और उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद शायद 3 या 3.5 साल के बाद वो राज्य सरकार को परत किया गया था। उसके बाद राज्य सरकार ने अपनी ओर से जो प्रक्रिया करनी चाहिए प्रक्रिया की है। हमने तो यहाँ तक की तैयारी की है कि कल उठ के लोकसभा में जब अन्ना जी ने जो बात कही है कि जन लोकपाल बिल के तहत राज्यों में भी लोकपाल बिल जो बनना चाहिए उसके प्रावधान जो बनेंगे वो प्रावधानों के मुताबिक भी गुजरात में जो लोकायुक्त एक्ट है उसको किस तरह से उसमें सुधार किया जाए उसकी तैयारी करने के लिए भी राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। मैं समझता हूँ गुजरात पहला राज्य है जिसने ये कामगिरी की है। हमारे पास मैंने जैसे बताया आपको कि ये जो जिस तरह से निर्णायक प्रक्रिया ये सब चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते हुए एक तरफा की गई है तो इसके महीन कानूनी पहलू जो हैं उसका अभी हम अभ्यास कर रहे हैं और उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। देखिए द पावर्स आर विद द गवर्नर, उसमें लोकायुक्त की निर्णायक और निर्णय की प्रक्रिया है उसके तहत उसकी फाइनल अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर साहब के हाथों में है, उसकी में कोई बहस नहीं है। मगर इसके साथ हमें जब हम गवर्नर शब्द का यूज़ करते हैं भारतीय संविधान को जोड़कर करना चाहिए। गवर्नर इज सपोज टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। तो ये जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है ये जो एडवाइस है वो गवर्नरियल ऑफिस को बाध्य रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो दायित्व है टूटा है। मैंने जैसे कहा अभी हम कोई उतावली या जल्दबाजी में कोई निवेदन देना नहीं चाहेंगे मगर इसके जो महीन कानूनी पहलू है उसका अभ्यास करके जो भी उचित कार्रवाई जरूरी लगेगी हम जरूर करेंगे। सी वेन मिस्टर झाला, अगर आप सिर्फ लोकायुक्त एक्ट को पकड़ के बैठते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि आप भारतीय संविधान को नज़रअंदाज कर रहे हैं। भारतीय संविधान मूलतः जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर को देती है। जहाँ तक महामहिम गवर्नर की कार्रवाई का सवाल है कुछ मुद्दों को छोड़ पे जिसके लिए उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं संविधान ने दिए हैं वो मुद्दों को छोड़ के बाकी के मुद्दों पर कोई भी कार्रवाई करनी हो उनको वो कार्रवाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के मुताबिक ही करनी चाहिए। अगर उनको वो सलाह नहीं जचती है तो जैसे और किस्सों में ये जो सलाह दी है वो पुनः विचारना के लिए वापस भेजी जा सकती है वो वापस भेज सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि आगे की कार्रवाई करना उचित है। देखिए जैसे मैंने कहा कि ये जो जिस तरह की प्रक्रिया चल रही थी एक निर्णायक फेज से हम पसार हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया रुकी हुई थी, ऐसा नहीं है कि कहीं डेडलॉक आ गया था, ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया में कहीं सरकार बाधा डाल रही थी। 6-6 बार विपक्ष के नेता भी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं, ये हकीकत है। तो ये जो प्रक्रिया चल रही थी वो प्रक्रिया के तहत तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को आपको बाध्य रखना चाहिए। तो आप अगर उसको न रखते हुए यकायक ये कोई कदम उठाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ बैड इन लॉ एंड आई थिंक
It requires to be studied as far as finer aspects of law are concerned. And we shall do that. तो वो तो अच्छी बात है. देखिए विधानसभा ने तो पावर्स बढ़ाने की बात कही थी. यानी कि जहाँ तक जहाँ तक हमारे पक्ष का सवाल है, सरकार का सवाल है, हम तो लोकायुक्त को और भी उसके दायरे में ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा फंक्शनरीज को, पब्लिक ऑफिसर्स को लाने के पक्ष में हैं. हम कभी लोकायुक्त की नियुक्ति से मुखरे नहीं हैं. मगर वो जो प्रक्रिया है, लोकायुक्त के रहते भी पावर बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मगर प्रक्रिया की बात है. अभी द क्वेश्चन इज दैट यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर. द गवर्नर इज सपोज टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड यू आर नॉट डूइंग इट. दैट इज बैड इन लॉ एंड वी आर एग्जामिनिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट. And accordingly, due course, action will be taken. क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई political reason है? देखिए मैं उस पर कोई भी टिका टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, क्योंकि हम अपनी मर्यादा को समझ के ये मुद्दे पे बात करना चाहेंगे. जहाँ तक गवर्नर साहब के लिए कोई बात कहनी है या हम कहना चाहेंगे, वो कानूनी सब पहलू की जब अभ्यास हो जाए और पूर्णतया हम इससे जो हमारी मत क्या है उसके बारे में स्पष्ट हो जाए, उसके बाद हम आपको खुल के कहेंगे. जल्दी क्या है, मिलते रहेंगे. I have answered that question. Whatever is the provision of law, we'll do that. देखिए इसके एक से ज़्यादा कारण इसके लिए कारणभूत है. ऐसा नहीं है कि एक ही कारण है. ये प्रक्रिया में आम सहमति बनाने के लिए भी विपक्ष के नेता को जो सहयोग करना चाहिए, प्रतिपक्ष के नेता चार चार बार तारीख तय होने के बाद भी हाजिर नहीं रहते हैं, ये भी एक पहलू हो सकता है. कोई सामान्य नाम पे सहमति न बने, ये भी एक पहलू हो सकता है. कहीं और भी कोई मुद्दे हो, ये भी एक पहलू हो सकता है. तो कई मुद्दे मिलके कुल मिला के जो परिस्थिति थी, वो मैं जो कहता हूँ वो निर्णय की एक प्रक्रिया के एक दौर से पसार हो रही थी. इसी दौर में वो निर्णय की प्रक्रिया का वो दौर को ख़त्म करने के बावजूद वो एक यकायक उसको रोक कर एक एब्रप्ट एंड आर्बिट्री डिसीजन लेना, मैं समझता हूँ कि अपने संविधान के जो स्पिरिट है, संविधान के जो प्रावधान है, उसके तरह वो उसके अंतर्गत ये ठीक नहीं है. एज आई टोल्ड यू मिस्टर झाला, यू मस्ट रीड गवर्नर एंड द गवर्नरियल पावर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यू कांट रीड दैट वर्ड इन आइसोलेशन.